हेलो डियर स्टूडेंट्स, सो मैं चंदन फिर से हाजिर हूं। आज हम पढ़ेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स का तीसरा लेक्चर। सो अभी तक जो भी पढ़ा है, हमने पढ़ा है फ्लूइड के बारे में, डेंसिटी के बारे में, प्रेशर के बारे में, और कुछ क्वेश्चंस किए हैं। आज हम पढ़ेंगे पास्कल्स लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, और दो डिवाइसेस बैरोमीटर और मैनोमीटर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेशर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, जो आपको फिर से एक बार ध्यान दिलाता हूं, याद कराता हूं। पहली बात कि प्रेशर किसी भी फ्लूइड के अंदर किसी एक पॉइंट पे अगर बात करें, अगर मैं बोलूं कि ये हमारा कोई कंटेनर है माय डियर, और इस कंटेनर में मान लीजिए कोई फ्लूइड फिल्डअप है, और कोई एक पॉइंट कंसीडर करते हैं, इस पॉइंट पे ये फ्लूइड चारों तरफ से प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, ऑब्वियसली हर एक डायरेक्शन से, चारों तरफ मतलब पूरे थ्री डी में, थ्री डायमेंशन की बात कर रहा हूं मैं, हर एक डायरेक्शन में प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है इस पॉइंट पे, और वो जो प्रेशर है किसी एक पॉइंट पे हर एक डायरेक्शन में हमेशा सेम होता है। एक पॉइंट की बात कर रहा हूं, किसी एक पॉइंट पे फ्लूइड का प्रेशर, फ्लूइड का दबाव, चारों तरफ से लगने वाला दबाव एक्चुअली बराबर होता है। इसको बोलते हैं आइसोट्रोपिक नेचर ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। आइसोट्रोपिक का मतलब होता है इक्वल, आइसो मीन्स सेम, ट्रोपिक मीन्स हर एक डायरेक्शन में, तो हर एक डायरेक्शन में ये प्रेशर किसी एक पॉइंट पे इक्वल होता है। पहली पॉइंट तो ये है, सो फर्स्ट पॉइंट हम ये चाहे तो लिख सकते हैं कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज आइसोट्रॉपिक। बहुत बढ़िया, बहुत को बात समझ में आ गई सब। दूसरा पॉइंट अगर हम देखा तो हमें पता है किसी भी हॉरिजेंटल लेवल पे हर एक पॉइंट पे लगने वाला फ्लूइड का प्रेशर इक्वल होता है, यानी फ्लूइड प्रेशर और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, बेसिकली वी शुड से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, क्योंकि स्टैटिक फ्लूइड की बात कर रहे हैं, सो फ्लूइड प्रेशर रिमेन्स सेम एवरीवेयर ऑन अ हॉरिजेंटल लेवल। ये सारी बातें जो मैं बता रहा हूं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से रिलेटेड बातें बता रहा हूं। तीसरा पॉइंट माय डियर, आप खुद सोचो, बताओ फ्लूइड प्रेशर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कब वेरी करेगा? डेप्थ में चलने पे। ये सारे पॉइंट्स हैं फॉर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जब फ्लूइड आपका रेस्ट में है, अभी हमने फ्लूइड को मोशन नहीं दिया है, सो फॉर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहली बात तो ये ध्यान रखना, इसको गलती नहीं करना कि हमेशा ये सही होगा, अगर फ्लूइड मोशन में हो गया तो फिर हो सकता है कुछ और हो जाए। अंडरस्टूड ना? सो फ्लूइड प्रेशर मीन्स हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर रिमेन सेम एवरीवेयर ऑन अ हॉरिजॉन्टल लेवल। अगर हम बात करें वर्टिकल लेवल पे, तो वर्टिकल लेवल में अगर हम डेप्थ की ओर मतलब डाउनवर्ड मूव करेंगे तो प्रेशर विल इंक्रीज, एंड अपवर्ड मूव करेंगे तो प्रेशर विल डिक्रीज। अंडरस्टूड? यस। सो इन वर्टिकल डायरेक्शन, राइट, इन वर्टिकल डायरेक्शन व्हेन गोइंग अपवर्ड और गोइंग डाउनवर्ड मीन्स प्रेशर विल इंक्रीज और डिक्रीज, प्रेशर विल इंक्रीज। अच्छा, कैसा वेरिएशन होता है? लीनियर वेरिएशन, रो जी एच, हमने पढ़ा ना, डेल्टा पी इज इक्वल टू रो जी एच। वॉट इज रो? रो इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड एच इज कितना डेप्थ नीचे जा रहे हो। अंडरस्टूड? वेरी गुड। गोइंग डाउनवर्ड मीन्स प्रेशर इंक्रीजेस, एंड गोइंग अपवर्ड दैट मीन्स प्रेशर विल डिक्रीज, एंड डिक्रीज इन द सेम फैशन। अंडरस्टूड? हम यहां तक कर चुके हैं, इसके आगे देखते हैं। आइए कुछ आपको एक बहुत बहुत ही मजेदार और बहुत ही मैजिकल चीज सिखाने जा रहा हूं, अच्छे से सीखना भैया। पहले आप इस चीज को चाहो तो लिख सकते हो, वीडियो पॉज करो और लिखो, और हम आगे बढ़ने। सुनना, अच्छे से सुनना, कुछ मैं आपसे पूछता हूं। जैसे एक बेसिक सा सवाल हम ऑलरेडी पिछले वाले लेक्चर में किया है, उसी क्वेश्चंस को फिर से दूसरे रूप में फ्रेम करके आपको दिखा रहा हूं और कुछ सिखाना चाहता हूं। मान लीजिए हमारे पास एक ऐसा कंटेनर है, माय डियर आई हैव अ कंटेनर लाइक दिस। मैं वैल्यूज लूंगा, इजी वैल्यूज लूंगा, ताकि आप सब कुछ कैलकुलेट कर पाओ। आई हैव अ कंटेनर लाइक दिस, वेरी गुड। इस तरह का कोई कंटेनर हमारे पास, ये मान लीजिए हाइट इज स्मॉल एच, दिस हाइट इज, जहां पे तक लिक्विड फिल्डअप है,
मान लीजिए लिक्विड यहां तक पूरा फिल्डअप, ये पूरा फ्लूइड फिल्डअप है, मान लीजिए ये भी हाइट हमारे पास स्मॉल h ही है। आसान करने के लिए इस बेस का कुछ एरिया होगा, लेट सपोज द बेस एरिया इज 2a एंड हेयर ओपनिंग एरिया, ये जो ओपनिंग है इसके भी कुछ एरिया होंगे, लेट सपोज इट्स एरिया इज a, ओके। एंड द क्वेश्चन इज फाइंड द फोर्स ऑन दिस बेस, इस बेस के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, एंड डेंसिटी ऑफ द लिक्विड और डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इज रो, ओके। तो मेरा प्रश्न आपसे यह है, मेरा क्वेश्चन ये है कि फाइंड द फोर्स ऑन द बेस 2a, कितना फोर्स लग रहा है। तो फोर्स इज नथिंग बट प्रेशर टाइम्स एरिया। तो आइए हम चीजों को देखते हैं। सो फोर्स एग्जर्टेड बाय द फ्लूइड ऑन बेस 2a कितना है माइडियर? सो फोर्स इज इक्वल टू होता है माइडियर प्रेशर इनटू एरिया, एरिया तो 2a है। अब प्रेशर कैसे निकालेंगे? प्रेशर इज नथिंग बट लेवल, देख लें कितना राइज, कितना टोटल फ्लूइड का लिक्विड का लेवल है। तो h प्लस एच कितना है 2g, 2h, तो ये आएगा प्रेशर आएगा रो जी इंटू 2h इंटू 2a। हाउ मच इज दिस? दो दो, 2 इंटू 2 4, सो ये आया 4 रो जी एच ए। अंडरस्टूड और नॉट? बहुत बढ़िया, बहुत गुड, यहां तक तो समझ में आया। ये बहुत आसान सा कैलकुलेशन हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। अब मेरा सवाल ये है कि आप कैलकुलेट करो वेट ऑफ द लिक्विड। क्या कैलकुलेट करना है? वेट ऑफ द लिक्विड, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड वेट ऑफ द लिक्विड और वेट ऑफ द फ्लूइड। वेट ऑफ फ्लूइड, वेट ऑफ फ्लूइड अगर मैं बात करूं तो ये आएगा माय डियर, वेट ऑफ फ्लूइड का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू जी। वेट पूछा मैंने, मास नहीं पूछा, मास इनटू जी, एम जी इज द वेट, ओके। सो वेट मीन्स एम टाइम्स जी। व्हाट इज एम हियर? एम कैसे कैलकुलेट करें भैया? एम के लिए हमें चाहिए मास चाहिए, इसका मास के लिए डेंसिटी पता है, वॉल्यूम मिल जाए तो क्या मास मिल जाएगा? जी हाँ। सो आइए हम इसका मास कैलकुलेट करते हैं, लेट्स कैलकुलेट इट्स मास। मास एम इज इक्वल्स टू डेंसिटी टाइम्स वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना होगा? ये वॉल्यूम प्लस ये वॉल्यूम, करेक्ट, दिस वॉल्यूम प्लस दिस वॉल्यूम। ये वॉल्यूम कितना मैडम? ये वॉल्यूम है h इंटू 2a और ये वॉल्यूम है h इंटू a, मीन्स 2ha, ये नीचे वाला वॉल्यूम है। क्या आप समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो? वॉल्यूम मीन्स होता है माय डियर लेंथ इंटू एरिया। सो ये एरिया 2a है, ये h है, तो h इंटू 2a, 2ha एंड दिस इज ऑल्सो वॉल्यूम, तो h इंटू a, सो ha, ha प्लस 2ha, 3ha, सो वॉल्यूम आ गया 3ha। सो ये आया माय डियर 3 रो एच ए, ये तो मास आया। वेट के लिए जी से मल्टीप्लाई करो, तो एम जी, ये कितना आया? 3 रो जी एच ए, बहुत बढ़िया। अब इन दोनों को देखो थोड़ा और समझने की कोशिश करो कि मैं क्या सिखाना चाहता हूं। अगर आप इन दो वैल्यू को देखेंगे, ये फोर्स एग्जर्टेड ऑन दिस बेस ड्यू टू फ्लूइड और ये फोर्स, ये भी फोर्स है ना माइडियर, वेट है मीन्स फोर्स, वेट मीन मतलब फोर्स, और यू कैन से दिस इज वेट, वेट ही लिख लो, आप परेशान हो जाओगे अदरवाइज। सो ये वेट है। मेरा सवाल ये है कि ये लिक्विड का वेट है 3 रो जी एच ए, इतना ही ये नॉर्मल लगाना चाहिए था, बट ये कुछ ज्यादा लगा रहा है 4 रो जी एच ए। सो वेयर इज द प्रॉब्लम, वेयर इज द प्रॉब्लम? ये 3 रो जी एच ए, ये 4 रो जी एच ए, सो रो जी एच ए एक्स्ट्रा वाला वो कहां से आया? सोचने वाली बात है। अब यहां समझाता हूं मैं आपको। एक्चुअली अगर कुछ और ये सॉलिड होता, सॉलिड बॉडी, तो जितना इसका वेट होता क्या उतना ही नॉर्मल, उतना ही फोर्स एग्जर्ट करता? जी हाँ। बट ये क्या उससे ज्यादा एग्जर्ट कर रहा है? ये फ्लूइड का एक अजूबा, एक मतलब चीज है, मैजिकल है ना, कि ये आपको वेट इतना, फोर्स इतना मिल रहा है, वाह भाई वाह। तो क्या हुआ एक्चुअली, सोचने वाली बात। आप देखो फ्लूइड में हर एक जगह प्रेशर होता है, हर पॉइंट पर प्रेशर है, बट वो प्रेशर डिपेंड करता है कि कहां पे पॉइंट, लोकेशन, पॉइंट के लोकेशन पे। अगर मैं बात करूं यहां पे, देखो आप यहां पे भी देख सकते हो ना प्रेशर, यहां कितना प्रेशर होगा, यहां पे प्रेशर ये रो जी एच ए, यहां पे प्रेशर कितना, ये पूरा रो जी टू एच, ये रो जी एच, अंडरस्टूड और नॉट? यहां भी प्रेशर है, यहां भी प्रेशर, यहां अगर प्रेशर है तो प्रेशर इस वाले सरफेस पे फोर्स लगाएगा, किधर लगाएगा? ऑलवेज नॉर्मल एंड प्रेसिंग नेचर का, तो यहां पे फोर्स लग रहा है माय डियर इस तरह का।
अच्छा ये कितना फोर्स लगेगा क्या आप निकाल सकते हो, ये वाला फोर्स, तो ये एरिया है, मतलब ये टोटल एरिया कितना है, टू ए, इसमें से कितना एरिया सब्सट्रैक्ट हो गया ए, तो बचा कितना एरिया ए, और यहां पे प्रेशर कितना है, अगर मैं प्रेशर की बात करूं तो यहां है रो जी एच, तो फोर्स कितना हुआ यहां पे, यहां पे फोर्स हो गया रो जी एच इंटू ए, ये पूरा प्रेशर पूरा फोर्स बता रहा हूं इस वाले सरफेस पे, समझ में आ रहा है आपको, बहुत बढ़िया। तो यहां फोर्स है रो जी एच, ये वॉटर सरफेस ने इसके वॉल पे लगाया है, जब इसके वॉल पे आप फोर्स लगाओगे तो ये वॉल भी इतना ही का तो रिएक्शन देगा ना वॉटर पे, तो ये वॉल भी इसके ऊपर फोर्स लगाता है रो जी एच, तो इस वॉल के कारण एक फोर्स आता है रो जी एच जो कि यहां को ट्रांसमिट होता है, तो एक्चुअली वेट के कारण थ्री रो जी एच आ रहा है, एंड एक्स्ट्रा जो रो जी एच आ रहा है वो ड्यू टू द नॉर्मल एग्जर्टेड बाई दीज कंटेनर सर्फेस। अंडरस्टूड और नॉट, बोलो समझ में आया? हाँ, तो यहां से एक पॉइंट समझते हैं, इस फोर्स को हम लोग बेसिकली बोलते हैं थ्रस्ट, क्या बोलते हैं थ्रस्ट, थ्रस्ट मीन्स प्रेशर टाइम्स एरिया, तो कहा जाता है कि थ्रस्ट एक्सर्टेड बाई हाइड्रोस्टैटिक और फ्लूइड, थ्रस्ट एक्सर्टेड बाई हाइड्रोस्टैटिक फ्लूइड मे बी ग्रेटर देन द वेट ऑफ द फ्लूइड, मे बी ग्रेटर देन द वेट ऑफ द फ्लूइड, बात समझ में आई आपको, ये वेट ऑफ फ्लूइड से ज्यादा हो सकता है, और सिर्फ लिक्विड के केस में हो सकता है ऐसा माय डियर, अगर ऐसे ही पूरा सॉलिड का सॉलिड रख देते तो यहां पे जो फोर्स आता वो इतना ही आता, थ्री रो जी एच, क्या बात समझ में आया आपको, वेरी गुड, सो इट्स अ वेरी गुड पॉइंट। और अगर कभी क्वेश्चन में आए कि कैन द थ्रस्ट एक्सर्टेड बाई फ्लूइड बी मोर देन इट्स ओन वेट, यू शुड टिक यस, आपको यस वाले ऑप्शन पे टिक करना चाहिए, अंडरस्टूड और नॉट, ट्रू और फॉल्स वाले में ऐसे सवाल आ सकते हैं, जनरली नीट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आप इसको लिख लो फिर हम आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम देखते हैं पास्कल्स लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, बहुत अच्छा है और बहुत एप्लीकेशंस हैं इसके, इंजीनियरिंग फील्ड में बहुत लोगों ने इसको अप्लाई किया है और बहुत कुछ डिवाइसेस बनाया है, हम सीखेंगे धीरे धीरे, सो हेडिंग डालते हैं पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ क्या है माय डियर, ये पास्कल्स लॉ समझने की कोशिश करते हैं। पास्कल्स ने बोला कि ये जो लॉ है, पहली बात ये कन्फाइंड फ्लूइड के लिए है, किस तरह के फ्लूइड, कन्फाइंड, व्हाट डू यू मीन बाय कन्फाइंड फ्लूइड, वो फ्लूइड जो चारों तरफ से बाउंड्री से घिरा हुआ है, अंडरस्टूड, तो उस तरह के फ्लूइड को कन्फाइंड फ्लूइड बोलते हैं, तो ये कन्फाइंड फ्लूइड के लिए है। तो पास्कल्स ने बोला कि फॉर अ कन्फाइंड फ्लूइड इफ सम प्रेशर इज एक्सर्टेड ऑन द फ्लूइड देन दैट प्रेशर विल गेट्स ट्रांसमिटेड थ्रू आउट द फ्लूइड विदाउट एनी डिमिनिशन, बिना कोई घटाव के और बिना किसी नुकसान के वो सारा का सारा प्रेशर पूरे फ्लूइड में ट्रांसमिट होगा। क्या बोला सर, एक बार और समझने की कोशिश करते हैं तभी हमें क्लैरिटी आएगी। मान लीजिए हमारे पास सिंपल सा एक कंटेनर है, इस तरह का बहुत आसान सा कंटेनर बना रहा हूं, आप देखना, इस तरह का कंटेनर है, बहुत बढ़िया, और इसमें फ्लूइड है, क्या फिल्ड अप है माय डियर, फ्लूइड, फ्लूइड इज फिल्ड अप इनसाइड दिस, फ्लूइड है, और ये फ्लूइड को कन्फाइन किया हुआ, कन्फाइन किया हुआ मतलब हम इसको बंद किए हुए चारों तरफ से, एवरीवेयर देयर इज अ बाउंड्री, अब ये फ्लूइड कहीं भी इधर उधर नहीं जा सकता, ठीक है भैया। अब इसके फ्लूइड के अंदर हर जगह तो प्रेशर है, ड्यू टू इट्स ओन प्रेशर तो होगा ना माय डियर, अगर मैं यहां का प्रेशर जीरो मानू तो यहां से यहां आने में अगर हाइट एच होगा तो रो जी एच तो प्रेशर होगा, इफ द डेंसिटी इज रो, वेरी गुड, वी ऑलरेडी न्यू इट। अब मेरी बात यह है, पास्कल्स लॉ ने कहा कि इफ यू अप्लाई एनी प्रेशर, लेट सपोज आई अप्लाई प्रेशर पी हियर, मान लेते हैं यहां से यहां पे जाने पे, लेट सपोज मैं ऐसे जनरल का सर कोई पॉइंट ले लेता हूं, ये हाइट एच है, तो आप बता सकते हैं यहां पे प्रेशर कितना होगा, यहां पे प्रेशर होगा रो जी एच इफ देयर इज नो प्रेशर हियर, सिंपल। पास्कल्स ने बोला इफ यू अप्लाई अ प्रेशर पी ऑन द फ्लूइड दिस प्रेशर विल गेट्स ट्रांसमिटेड थ्रू आउट द लिक्विड
विदाउट डिमिनिश्ड, विदाउट डिमिनिशिंग, किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा इस प्रेशर का, ये हर जगह पूरे फ्लूइड में इक्वली ट्रांसमिट होगा। ये क्या बोला सर, मतलब ये पी, तो ये प्रेशर यहां राइज कर जाएगा पी से, सो हियर द प्रेशर विल बी रो जी एच प्लस पी। क्या यस yes. अगर आप मान लो यहां पे कोई और पॉइंट ले लेता हूं, मान लो एक पॉइंट यहां ले लेता हूं जो कि यहां से इनिशियली एच डिस्टेंस पे था, तो यहां पे इनिशियली कितना प्रेशर था, रो जी एच, बट हाउ मच आई हैव अप्लाइड पी, तो हियर द प्रेशर विल बिकम रो जी एच प्लस पी। एट एवरी पॉइंट द प्रेशर विल राइज बाय द सेम अमाउंट जितना से आप अप्लाई करोगे, दिस इज द पास्कल्स लॉ। सो राइट डाउन इट्स स्टेटमेंट फर्स्ट, देन विल गो फॉर सम प्रॉब्लम एंड गो फॉर सम एप्लीकेशन पार्ट। तो पहले लिखते हैं पास्कल्स लॉ, लिखना भैया हाँ लिखो, इट स्टेट्स दैट एनी चेंज इन प्रेशर एक्सर्टेड ऑन अ कन्फाइंड फ्लूइड, इट स्टेट्स दैट एनी चेंज इन प्रेशर एक्सर्टेड ऑन अ कन्फाइंड फ्लूइड गेट्स ट्रांसमिटेड थ्रू आउट द फ्लूइड, गेट्स ट्रांसमिटेड थ्रू आउट द फ्लूइड विदाउट डिमिनिशिंग। अंडरस्टूड, आप इतना लिख लीजिए, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। अब इसके एक एग्जाम्पल है, उनके बारे में बात करते हैं और कुछ समझने की कोशिश करते हैं। इसका जो सबसे अच्छा इंजीनियरिंग एप्लीकेशन है वो है हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक जैक और हाइड्रोलिक ब्रेक, जितने भी हाइड्रोलिक टर्म वाले आपको डिवाइसेस मिलेंगे मेनली वो पास्कल्स लॉ पे बेस्ड होते हैं। तो आइए समझते हैं ये क्या होता है भैया, एक एग्जांपल देखते हैं हाइड्रोलिक जैक का, उसके हिसाब से हम समझ पाएंगे। मान लीजिए हमारे पास एक ऐसा कंटेनर है, कैसा कंटेनर, ऐसा मैडी, बहुत ही आसान सा कंटेनर, लेट्स लुक, दिस इज आर कंटेनर, और इसमें दो लिम्स है बेसिकली, लेफ्ट वन एंड राइट वन, हुज एरिया इज मोर, यू कैन सी लेफ्ट वन हैज लेसर एरिया देन राइट वन, वेरी गुड। अब इसमें क्या लगाया हमने, इस फ्लूड को कन्फाइंड करने के लिए दो पिस्टल लगाए हैं इस तरह से, ये कन्फाइंड हो गया हमारा फ्लूड। अब इसके अंदर कोई फ्लूड है, बहुत बढ़िया। अब इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, आपको मजा आएगा, अच्छे से समझना ठीक है, आपको बहुत मजा आने वाला। आइए अब बहुत सिंपल से एग्जाम्पल मान लेते हैं, ये जो एरिया लिया हमने, लेट सपोज दिस एरिया इज ए, फॉर ये एरिया हमने ए लिया, एंड लेट सपोज इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो है 100 टाइम्स ऑफ ए, कितना टाइम्स लिया, 100 टाइम्स ऑफ ए लिया, बहुत बढ़िया, बहुत को बात समझ में आ गई, 100 टाइम्स ऑफ ए लिया। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम जस्ट गोइंग टू अप्लाई सम फोर्स एफ, हम फोर्स एफ अप्लाई कर रहे हैं, वी आर जस्ट प्रेसिंग बाय सम फोर्स एफ, दिस इस वाले पिस्टन को हम एफ फोर्स है, तो जैसे ही हम फोर्स लगाएंगे क्या यहां पे कुछ प्रेशर आएगा, जी हाँ, कितना प्रेशर आएगा मैडम, तो यहां पे जो प्रेशर का चेंज आएगा वो आएगा एफ बाय ए, तो इतने का प्रेशर आएगा। अब ये जो प्रेशर आया एज पर पास्कल्स लॉ हर जगह ट्रांसमिट होगा, यस, तो प्रेशर क्या हो गया, ट्रांसमिट हो गया, मतलब यहां पे प्रेशर कितना है एफ बाय ए, तो यहां भी प्रेशर कितना आएगा एफ बाय ए, बट प्रेशर इस यहां पे फ्लूइड के द्वारा कैसा आएगा, अपवर्ड डायरेक्शन, मतलब यहां पे एक प्रेशर आया, यहां पे प्रेशर आया एफ बाय ए, जैसे ही प्रेशर आया तो फोर्स भी आया माय डियर, कितना फोर्स आया, फोर्स कैलकुलेट करना है, सो फोर्स के लिए लिख सकते हो फोर्स इज इक्वल टू होता है माय डियर प्रेशर इनटू एरिया, एरिया इज 100 ए, हाउ मच इज द प्रेशर एफ बाय ए, सो प्रेशर इज एफ बाय ए इनटू 100 टाइम्स ऑफ ए, सो इट विल कम आउट टू बी ए, ए गोज अवे, सो 100 टाइम्स ऑफ एफ, वाओ, सी व्हाट हैपेंड, एफ डैश लिखता हूं मैं क्योंकि अदरवाइज आप एफ एफ कैंसिल कर दोगे और फिर तमाशा हो जाओगे, होता है ऐसा, बच्चे ऐसे मैं एफ एफ क्लास में लिख दिया, बच्चे ने एफ एफ कैंसिल कर दिया, बोला सर ये 100 कुछ वन हो गया, ये तो प्रूफ हो गया सर, कुछ नया चीज सीख लेते हैं, तो उनको छोड़ो इधर आओ, समझ में आ रहा है, देखो हमने फोर्स कितना अप्लाई किया हमारे एफ, मिला कितना 100 एफ, क्या ये फायदे का सौदा है, जी हाँ, बहुत बढ़िया, मतलब मान लो कि आप बस थोड़ा सा प्रेस करके अपने से 100 गुना ज्यादा जितना फोर्स लगोगे उससे 100 गुना ज्यादा चीजों को लिफ्ट अप कर पाओगे, क्योंकि ये फोर्स क्या करेगा, लिफ्ट ही करेगा, तो बेसिकली इस तरह के डिवाइसेस को यूज करते हैं कार वगैरह को लिफ्ट करने में, कार का कितना वेट होता है, अब उसको बहुत इजीली लिफ्ट कर सकते हैं, कुछ नहीं होता है, यहां पे एक प्लेटफॉर्म बना होता है ऐसे, और इस प्लेटफॉर्म पे
कार रख देते हैं, इस वाले प्लेटफॉर्म पे कार रख देते हैं, अब मैं कार बनाऊंगा नहीं, आप समझ लो। अब यहां बस सिंपली पेस्ट करना होता है। अब ये जितना ज्यादा होगा, अभी 100 टाइम्स लिया था तो 100 टाइम्स फोर्स मिला, लेट सपोज कोई 1000 टाइम्स एरिया ले लेगा, ये बहुत छोटा, वो 1000 टाइम्स, तो फोर्स 1000 टाइम्स मिलेगा, मतलब थोड़ा सा टच भी करोगे कार लिफ्ट हो जाएगा, वाह अब तो शक्तिमान हो जाओगे। क्या समझ में आया, बोलो सही है ना। सो दिस इज हाउ पास्कल्स लॉ वर्क्स, और इसके हिसाब से इंजीनियर ने बहुत सारे डिवाइसेस बनाए, बहुत आसान सा चीज। अब इसमें एक बच्चे ने मेरे से डाउट पूछा, आपको बताता हूं क्या डाउट था उसका। उसने पूछा, सर आप फोर्स लगा रहे हो एफ, आपको मिल रहा है 100 F। बोले जी हाँ मिल रहा है। सर आपको फोर्स तो बहुत ज्यादा मिल रहा है। बोले मिल रहा है, इसीलिए तो बनाया इसको। बोला नहीं सर, प्रॉब्लम यह है कि ये तो अगर मैं सोचूं तो लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन को तो वैलिड नहीं कर रहा है सर, ये फोर्स ज्यादा मिल रहा है मतलब ज्यादा वर्क हो जाएगा सर, तो फिर तो एनर्जी के लॉ का, एनर्जी के कंजर्वेशन का जो लॉ है वो तो इनवैलिड हो गया। समझ में आया क्या पूछा उसने? उसने पूछा कि फोर्स आपको ज्यादा मिल रहा है तो मीन्स एनर्जी आपको ज्यादा मिल रहा है, इसका मतलब आप एनर्जी कम दे रहे हो, एनर्जी ज्यादा मिल रहा है, ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का तो धज्जिया उड़ गया सर। बोला अच्छा, तो आपका प्रॉब्लम ये है कि आप फोर्स और एनर्जी को रिलेट कर चुके। बेटा फोर्स और एनर्जी टू डिफरेंट थिंग्स है, पहली बात तो ये समझो, फोर्स और एनर्जी सेम चीज तो है नहीं। हाँ फोर्स के कारण वर्क हो सकता है, इट्स ट्रू, बट एनर्जी हम जितना इसको देंगे ना, एनर्जी उतना ही मिला होगा। आपको थोड़ा सही से समझाऊं तो समझो, अगर मान लो आप इसको प्रेस करोगे तो ये कुछ तो नीचे जाएगा ना, डिस्प्लेसमेंट होगा ना, यस डिस्प्लेसमेंट होगा। मान लो इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ माय डियर, मान लीजिए इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये डिस्प्लेस होकर के यहां आया, मान लो फॉर अ टाइम भी आप कंसीडर करो ये एच डिस्प्लेस हो गया, कितना डिस्प्लेस हुआ एच, तो जितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इधर डिस्प्लेस हुआ क्या उतना ही वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इधर राइज किया होगा? जी हाँ, इधर कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ नीचे, एच इंटू ए, सो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड यू कैन राइट वी इज इक्वल्स टू एच इंटू ए, तो इधर भी कितना होगा, इतना ही वॉल्यूम होगा। अब मान लेते हैं इधर जो ये ऊपर गया, मान लिया जाए, लेट्स कंसिडर इट, मान लो ये गया स्मॉल एच, कितना गया माइडी स्मॉल एच, तो स्मॉल एच इंटू एरिया, एच इंटू 100 A मस्ट बी इक्वल्स टू एच ए, तो क्या स्मॉल एच निकाल सकते हो? जी हाँ निकाल सकते हैं, आओ सो एच इंटू 100 A इज इक्वल्स टू एच टाइम्स ए, सो ए गोज अवे, अगेन एच इक्वल्स टू एच बाई 100, सही है। अब देखो वर्कडन देखते हैं, वर्कडन इज वॉट, फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू एच, हेयर वर्कडन इज एफ एच, सो वर्कडन इज इक्वल्स टू एफ इंटू एच। यहां पे वर्कडन देखते हैं माइडियर, वर्कडन वर्कडन वर्कडन, यहां पे देखो तो वर्कडन इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कितना माइडियर, फोर्स इज 100 F, डिस्प्लेसमेंट कितना एच बाई 100, सो 100 100 गो जब अगेन एफ इंटू एच, अगेन एफ इंटू एच, तो वर्कडन तो सेम मिला माइडियर, देख लो ना। So, यहां वर्क डन आएगा फोर्स, फोर्स इज 100 F इंटू डिस्प्लेसमेंट इज एच बाई 100, सो 100 100 गोज अवे, दिस अगेन कम्स आउट टू बी एफ इंटू एच। एनर्जी कितना दिया एफ एच, कितना मिला एफ एच, क्या एनर्जी कंजर्वेशन वैलिड नहीं है? वैलिड है। फोर्स ज्यादा मिलना इसका मतलब ये नहीं कि एनर्जी ज्यादा मिला, क्या बात समझ में आई आपको? दिस इज हाउ इट वर्क्स, दिस इज हाउ द फ्लूइड वर्क्स, अंडरस्टूड? चलिए हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अभी हमें दो डिवाइसेस पढ़ना है, मैनोमीटर एंड बैरोमीटर एंड मैनोमीटर, ठीक है? तो आओ पहले हम बैरोमीटर कवर करते हैं, फिर अगर टाइम बचेगा, टाइम परमिट करेगा, तो हम मैनोमीटर भी कवर करेंगे, अंडरस्टूड? आइए, अच्छा दो डिवाइसेस है, आपने नाम सुना होगा पहले भी, बैरोमीटर एंड मैनोमीटर का नाम तो कभी तो सुना होगा। बैरोमीटर क्या है और मैनोमीटर क्या है, थोड़ा सा शब्दों में समझा हो मेरे को, खुद सोच लो और बताना क्या, मतलब आप खुद ही सोचो, मैं समझ जाऊंगा, मैं बहुत क्या बोलते हैं अंतर्यामी टाइप का इंसान हूं। पहली बात तो बैरोमीटर जो होता है, बैरोमीटर माय डियर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करता है। जी हाँ, व्हाट डज मैनोमीटर डू, मैनोमीटर किसी भी फ्लूइड के प्रेशर को मेजर करता है, मतलब जैसे अगर किसी पेट्रोलियम की कंपनी है या किसी गैस की कंपनी है तो उसके पाइप्स में हमेशा गैस या फ्लूइड फ्लो करता है, तो उसके प्रेशर हमेशा मेजर करते रहना पड़ता है, अदरवाइज वो अगर किसी एक लिमिट से ज्यादा हुआ तो वो पाइप फट सकता है। सो उसके लिए मेजरमेंट के लिए हम डिवाइस लगाते हैं मैनोमीटर।
वो क्या होता है धीरे धीरे समझ में आएगा। पहले हम लिखते हैं बैरोमीटर। आइए बैरोमीटर के बारे में आज समझते हैं पहले, उसके बाद कहानी को आगे बढ़ाएंगे। सो बैरोमीटर, व्हाट इज अ बैरोमीटर? बैरोमीटर इज अ सिंपल डिवाइस विच यूज टू मेजर एटमोस्फेरिक प्रेशर एट एनी लोकेशन। किसी भी लोकेशन पे आप सिंपली यूज कर सकते हो बैरोमीटर का। जनरली ये कुछ नहीं होता माय डियर, एक ग्लास का कंटेनर होता है और एक ग्लास का ट्यूब और मर्क्यूरी, बस इतना ही होता है इसमें। क्या होता है, कैसा प्रिंसिपल है, वर्किंग क्या है वो देखते हैं, और इससे एक चीज समझ में आएगा, एक नए प्रेशर के यूनिट की जन्म होगी यहां से, और हम बाद में धीरे धीरे समझेंगे कि हमने सिर्फ बैरोमीटर में मर्क्यूरी क्यों यूज किया, किसी और लिक्विड को भी यूज कर सकते थे। पहले समझते हैं, इस तरह का बेसिकली एक कंटेनर लेते हैं, ठीक है, जिसमें मर्क्यूरी फिल्टर है। क्या फिल्टर है मैडी? मर्क्यूरी, HG। और क्या लेते हैं? और लेते हैं ग्लास का ट्यूब लाइक दिस, और ऐसे ग्लास का ट्यूब लेते हैं, ये ग्लास ट्यूब। इसको क्या करते हैं, इसको इसमें इमर्स करते हैं, कंप्लीटली इमर्स। जैसे मान लो हमारे पास ये ग्लास ट्यूब है, ये ऐसे इसको कंप्लीट इमर्स कर दिया। मान लो ये क्लोज पोर्शन है, ये ओपन पोर्शन है, ये ओपन एंड है, अंडरस्टूड? इसको इमर्स करेंगे, पूरा इमर्स करेंगे, ताकि इसमें कंप्लीट मर्क्यूरी फिल्डअप हो जाए। जैसे ही मर्क्यूरी फिल्डअप होगा, यहां पे थंब लगाते हैं और इसको फिर ऐसे टिल्ट करके सीधा रख देते हैं, और सीधा रख के इसको स्टैंड में फिक्स कर देते हैं। जब ऐसा करते हैं, इनिशियली क्या होगा, खुद ही सोचो ना, जैसे ही आप इसको करोगे, कंप्लीट मर्क्यूरी फिल्डअप है इस पूरे ट्यूब में, कंप्लीटली मर्क्यूरी फिल्डअप है। और जब आप इसको सीधा करोगे थंब लगा के, क्योंकि इसमें एयर अदरवाइज इंसर्ट हो जाएगा, तो इसको थंब लगा के ऐसे करते हैं और फिर थंब हटाते हैं, तो देखते हैं कि मर्क्यूरी धीरे 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 नीचे आता है। नीचे तो आता है लेकिन पूरा नहीं आता, मतलब क्या सिचुएशन बनेगा आप खुद ही समझ जाओगे। लेट मी ड्रॉ फर्स्ट। जी हाँ, बन गया, बहुत है इतना समझने के लिए, बहुत बढ़िया। ओके, तो इसमें क्या हुआ कि पहले पूरा फिल्डअप था, अभी कुछ दूर तक रह गया मर्क्यूरी यहां तक है। होना कहां तक चाहिए था? पूरा फिल्डअप था, या तो पूरा यहां आता, यहां क्यों आ गया साहब, यहां आके रुक गया, और इसके अंदर क्या बचा? कुछ भी नहीं, नथिंग इज देयर, मतलब नथिंग इज मींस वैक्यूम, यहां पे वैक्यूम हो गया। वैक्यूम मतलब यहां का प्रेशर कितना? वैक्यूम मींस प्रेशर इक्वल्स टू नेग्लिजिबल, जीरो, नियरली इक्वल्स टू जीरो, बहुत बढ़िया। अब ये क्या करते हैं, इस वाले हाइट को मेजर कर लेते हैं। जैसे ही हाइट मेजर करते हैं, हम समझ जाते हैं अच्छा इतना प्रेशर, ये कैसे हुआ सर, खुद ही समझो। यहां पे क्या प्रेशर है? जी हाँ, क्योंकि ओपन है हर जगह, तो यहां पे प्रेशर है एटमोस्फेरिक प्रेशर। कितना प्रेशर है? एटमोस्फेरिक प्रेशर। जनरली मैं एटमोस्फेरिक को पी नॉट से डिनोट करूंगा। ओके, तो अगर यहां पी नॉट है प्रेशर, तो इस पूरे हॉरिजॉन्टल लेवल पे कितना प्रेशर होना चाहिए माइडिया? पी नॉट। सो यहां भी पी नॉट बनेगा, तो यहां भी पी नॉट प्रेशर है, लेकिन यहां पी नॉट प्रेशर है ड्यू टू एटमोस्फेयर, बट हेयर पी नॉट प्रेशर इज ड्यू टू द कॉलम ऑफ मर्क्यूरी इन द ट्यूब। तो कॉलम का हाइट मान लो कुछ है, एच है मान लो, स्मॉल एच और कैपिटल एच, वॉट एवर यू वॉन्ट टू, तो इसका प्रेशर कितना होगा? इसका प्रेशर यहां पे ये तो पी नॉट ही होगा, तो पी नॉट इक्वल टू होगा माय डियर रो जी एच। व्हाट इज द रो? रो इज द डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी, एंड इट्स वेरी सिंपल। अब करते हैं कैसे इसको, मान लो हमारे पास पी नॉट, ऑलरेडी वी नो दैट एटमोस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू पी नॉट, भी हमें पता है 1.01 × 10⁵ N·m². डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी वी हैव स्टडीड, रो ऑफ मर्क्यूरी इज इक्वल टू 13.6 × 10³ kg/m³। जी वी नो दैट 9.8 m/s². एच कैन बी कैलकुलेट, ऑब्वियसली वी कैन कैलकुलेट, हमें पी नॉट पता है, रो पता है, जी पता है, क्या एच कैलकुलेट कर सकते हैं? जी हाँ, एच कैलकुलेट कीजिए। ये जो एच आएगा, ये नियरली इक्वल टू आता है 0.76 m। कितना आया? 0.76 m। मैं नियरली बोल रहा हूं, एग्जैक्ट वैल्यू आप खुद कैलकुलेट कर लेना। ये आया है 0.76 m, और आप इसको लिख सकते हो 76 cm। यानी एटमोस्फेरिक प्रेशर को हम सीधा सीधा आप हाइट के टर्म्स में बोल सकते हैं। तो अगर ये मर्क्यूरी के लिए हाइट निकाला है, तो इसको हम सीधा सीधा बोलते हैं 76 cm ऑफ HG। क्या बात समझ में आया? जी हाँ, यानी हमें एक और नए यूनिट का पता चला कि 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल्स टू
76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। मान लो आपसे एक क्वेश्चन, एक सिंपल एग्जांपल पूछूं कि आप मेरे को बताइए भैया, एग्जांपल है, व्हाट इज द प्रेशर, व्हाट इज द प्रेशर इन पास्कल इफ मर्करी कॉलम राइजेस, इसको मिटा रहा हूं मैं, इफ मर्करी कॉलम राइजेस टू 40 सेंटीमीटर, क्या आप बता सकते हैं? ऑब्वियसली वेरी सिंपल प्रॉब्लम, आप खुद से कर लेना। अगर मर्क्यूरी कॉलम 40 सेंटीमीटर राइज करे तो आप बताइए कितना प्रेशर है वहां पे। इट्स वेरी सिंपल, क्या बात समझ में आई? जी हाँ। तो दूसरा प्रश्न ये उठता है कि सर आपने बैरोमीटर को यूज करने के लिए सिर्फ मर्क्यूरी का क्यों यूज किया, दूसरा फ्लूइड क्यों नहीं? तो पहली बात तो ये कि अगर आप कोई भी फ्लूइड लोगे तो उसकी डेंसिटी इससे कम हो जाती है। जनरली अगर मैं वाटर की बात करूं तो वाटर की डेंसिटी होती है 1000 केजी पर मीटर क्यूब, जो कि इससे 13.6 टाइम्स स्मॉलर है। तो ये एच जो है 13.6 टाइम्स लार्जर आता है, ये 76 सेंटीमीटर है, ये 0.76 मीटर, अगर इसमें 13.6 से मल्टीप्लाई करूं कितना टाइम्स ज्यादा हो जाएगा? बहुत, अप्रोक्सीमेटली ये 10 मीटर के आसपास आएगा। और 10 मीटर कितना हाइट होता है? 76 मीटर को थोड़ा विजुअलाइज कर सकते हो आप, 76 मीटर थोड़ा विजुअलाइज, सेंटीमीटर को थोड़ा विजुअलाइज कीजिए। आपने जो छोटा सा स्केल यूज करते हो वो 15 सेंटीमीटर का है, 76, 15 को 5 टाइम्स रखोगे तो 75 आएगा। इतना लंबा हमें ट्यूब चाहिए, अंडरस्टूड और ना? अब 10 मीटर का हो जाएगा तो कितना हाइट हो जाएगा? तो इतना बड़ा ट्यूब फिर क्या मतलब, कैसा डिवाइस आप बना रहे हो साहब, कि ट्यूब ही हैंडल कर रहे हो और उसकी रीडिंग के लिए आपको तो पूरा लिफ्ट पे चढ़ना पड़ेगा। सो दैट्स वाई वी यूज मर्करी इन बैरोमीटर। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे मैनोमीटर और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आप डेली प्लीज चैनल पे आइए और वीडियो देखिए, और हो सके तो जितना से जितना ज्यादा आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हमेशा मेरे वीडियो जैसे ही अपलोड करूँ आपको पता चले। ठीक है, सो थैंक यू फॉर टूडे, आई होप कि आपको मजा आया होगा।